देखिए डेरिवेटिव चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या पूछा है आप अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लो। यूजिंग डेरिवेटिव इक्वल करो टेन वर्स प्लस 14 वर्स पाई बाय 2 है, याद रखना डेरिवेटिव का यूज कर दिया। तो ये जो फंक्शन है ना इसका आंसर पाई बाय 2 प्रूव करना है, तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोलूंगा क्योंकि इसका फंक्शन है। और अब हम यूजिंग डेरिवेटिव बोलते हैं इसका करते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव का सिंबल लेफ्ट में भी लगाओ और राइट में भी लगाओ। राइट में कौन सा लगेगा एडिशन का, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स, जैसे वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डिवाइड बाय एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स। tan inverse का 1 upon 1 plus x square d x of x, cot inverse x का minus 1 upon 1 plus x square d x of x। बताओ denominator सेम है ना, as it is plus minus minus कितना है 0 upon 1 plus x square यानी कितना है 0। अब आप बताइए derivative का आंसर 0 है। अब बताओ derivative जनरली 0 कब आता है, आप कोई भी फंक्शन ले लो जैसे मैं साइन एक्स लूंगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, अगर मैं फंक्शन एक्स लूंगा तो डेरिवेटिव आएगा वन आएगा लेकिन जीरो नहीं आ रहा। डेरिवेटिव जीरो कब आएगा जब ये क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट अगर सपोज यहाँ पे 25 करो डेरिवेटिव कितना होगा जीरो, यानी फंक्शन अगर कॉन्स्टेंट रहा तो डेरिवेटिव जीरो होगा। अब बताओ आपको क्या पता है डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट। ऐसा लिखना पड़ेगा सिंस डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं ना एफ डैश है, कि सिंस डेरिवेटिव इज जीरो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन इज कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स कैसा है कांस्टेंट, क्यों डेरिवेटिव जीरो है ना इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट। ठीक है लेट यानी वो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के यानी सपोज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट यानी मैंने के लिया। अब पता है आपको एक बार कांस्टेंट की खासियत क्या होती है कि कोई भी कांस्टेंट है जैसे 5 है यानी कोई भी कांस्टेंट है, अब इसमें तुम x की वैल्यू कोई भी पुट करो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट बदलता नहीं इसी को तो कांस्टेंट बोलते हैं। अब x की वैल्यू 1 पुट करो तो भी 5 का आंसर आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो भी 5 आएगा। देखो f of x equal to 3x अब ये कांस्टेंट नहीं है ये है फंक्शन, अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो उस हिसाब से आंसर बदलते जाएंगे। x की वैल्यू -2 पुट की तो -2 3 का कितना -6, क्यों आंसर चेंज हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन में जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे वैसे आंसर चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे f of x क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती चाहे तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करो। अब बताओ अपना फंक्शन क्या है कांस्टेंट, जैसे मैंने 5 लिया वैसे ही, तो मुझे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि ये f of x constant इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कैच रहेगी हमेशा के रहेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f of x इक्वल टू k, यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करो फंक्शन कांस्टेंट टच करेगा, x की कोई भी वैल्यू पुट करो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम अपने मन से 0 1 कुछ भी पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 पुट करते हैं ठीक है पुट x इक्वल टू 1। अब बताओ f ऑफ x अपने पास बताओ फंक्शन कौन सा है, फंक्शन लिखो ना पहले f ऑफ x को, f ऑफ x है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, ये अपना f ऑफ x tan इनवर्स x है और f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन है यानी ये कांस्टेंट है बोलते हैं, f ऑफ x कांस्टेंट यानी ये कांस्टेंट है प्रूव कर रहा है कैसे, x की वैल्यू 1 पुट करो है ना x की वैल्यू 1 tan इनवर्स 1 प्लस
कॉन्टिन्यूस है। इनवर्स का आंसर क्या होगा बताओ, वन आंसर कौन से एंगल का आता है? देखो इनवर्स के आंसर एंगल आते हैं, कौन सा एंगल है आपको पता होगा? टेन 45 डिग्री कितना होता है? यहाँ होता है, इसका मतलब टेन इनवर्स वन, टेन इधर लीजिए तो क्या होता है? टेन इनवर्स होता है, तो इधर क्या बचा? 5/4, ये उधर गया तो टेन इनवर्स हो गया, तो टेन इनवर्स वन कितना होता है? 5/4, तो टेन इनवर्स वन 5/4, क्यों? क्योंकि tan 5/4 वन होता है, वैसे ही cot 5/4 भी वन होता है, तो cot इनवर्स 1 कितना होगा? 5/4।